यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। और आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाली हूँ हॉकिंस टी पैन की, जिसे आप सस्पैन भी बोल सकते हैं। और इसे मैंने मंगाया है हॉकिंस ब्रांड से। तो आप यहाँ पर इस डब्बे की पैकेजिंग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से रिसीव हुई है, बहुत अच्छे से पैक करके अमेज़न वालों ने भेजा है, और बहुत अच्छे से सेलो टेप या जो ब्रॉड टेप होता है वो लगी हुई है। और कोई भी सामान जो इसके अंदर है टूटा या फूटा या डेंट पड़ा हुआ या चिपटा, कुछ भी इस तरह का नहीं आया है, और अच्छे से कार्टून पैकेजिंग में उन्होंने भेजा है। के अंदर से ये हमारा मेन कार्टून निकल गया है। इसमें हल्की सी सेलो टेप लगी थी, जिसको मैंने सीजर से काट के हटा दी है, और बहुत अच्छे से ये भी पैक किया हुआ है, कुछ भी फटा हुआ या छटा हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से। यहाँ सबसे पहले मैंने खोला तो ये एक इंस्ट्रक्शन कार्ड है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना, सारा इंस्ट्रक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड जो भी होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे पहले इसका निकलता है ये लिड। जी हाँ, इसके साथ लिड भी है, ग्लास का लिड है, और इसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने भेजा है, बबल रैप किया हुआ है, और लिड को कुछ भी नहीं हुआ, ना टूटा ना फूटा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और लिड भी काफ़ी स्टर्डी, ऐसा नहीं कि लिड को अच्छा नहीं बनाकर भेजा, बहुत स्टर्डी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये निकल जाता है मेन प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी कुछ कॉशन लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं आराम से अगर आप मंगवाओगे तो। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत अच्छा है, मिरर फिनिश है इसकी, और इसका स्टील काफ़ी अच्छा है। और जो जहाँ पर से आप चाय ढालोगे ना, या कुछ भी जो बनाकर ढालोगे, क्योंकि अच्छा सा वहाँ पर एक माउथ बना हुआ है, एक नोज़ल टाइप का बना, जहाँ पर से आपकी चाय बहुत अच्छे से ढल सकती है कप में। और इसका पूरा लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है गैस पर भी काम करेगा, और इलेक्ट्रिक कोई चूल्हे पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा, सेरेमिक चूल्हा होता है उस पर काम करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडक्शन जो हर घर में आजकल होता है उस पर ये काम करेगा ही। और बहुत स्टर्डी, इसका स्टील बहुत अच्छा, मुझे ये बात पसंद आई इसकी। और इसका जो बिल्डअप है ना, इसका हैंडल का बिल्डअप वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन में इसका जो हैंडल की तरफ से ये ढीला पड़ जाए, स्क्रू ढीला हो जाए। मेरा जो पुराना सस्पेन है उसमें कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ है, और पतला होने की वजह से उसका क्या हाल हुआ मैं दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में। अगर आप कुछ उस तरह का सस्पेन लेने की कोशिश में हो तो ये वीडियो देख लेना, मेरा बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसका हैंडल आप देख लो, बहुत अच्छे से इसके हैंडल में बहुत अच्छे से एक अच्छा स्क्रू लगा हुआ है, जो कभी ये हिलने डुलने वाला या इससे टूट कर नहीं निकलने वाला। साथ में इसका आप बेस देख लो, जो कि इंडक्शन बेस है, और बहुत अच्छा इसका बिल्डअप है। मतलब ब्रांड का जो हॉकिंस एक ब्रांड, एक नेम है, इसके प्रोडक्ट्स में वो चीज़ दिखता है कि रियली ये कितना अच्छा है, और इसका लुक भी कितना अच्छा है। इसमें आप बहुत कुछ बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चाय बनाओ, अंडे उबाल सकते हो, मैगी बना सकते हो, सूप बना सकते हो, और चाय तो बनेगी ही बनेगी, कॉफ़ी बना सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का है, और ये मुझे मिला है सिर्फ 999 सिर्फ नहीं कहा जाएगा, रियली ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट्स के आगे 999 का कोई वजूद नहीं है। 1.5 लीटर का बहुत अच्छा मुझे मिल गया है, और इसका MRP यहाँ पे 1000 है, मुझे 999 यानी कि लेस, 1 रुपया कम हुआ था बस, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से चाय इसमें बना है। उससे पहले ये मेरा दो पुराना सस्पेंड देख लीजिए, जिसका बहुत पतला था बेस, उसका ये हाल हो गया है, और एक की सस्पेंड जो थोड़ा कुछ इसका बेस तो ठीक है, लेकिन इसकी हैंडल देख सकते हैं आप किस तरह की। इसलिए मैंने इस तरह का सस्पेंड मंगाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया। तो यहाँ पे आप बन रही है चाय मेरे न्यू वाले टी पैन में, सस्पेन में, जो भी कह लूँ। और आप देख लीजिए यहाँ पर टी किस तरह से बन रही है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कप बनाया है, क्योंकि घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, अब बहुत अच्छे से चाय बन गई। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 2 कप का चाय बना रहे हो ना, तो ये खोल कर बहुत जल्दी गिरने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। आप इसको कवर लगा दो, धीमी आँच पर चाय बनाओ, बहुत अच्छी चाय बनी थी। और कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको अच्छा लगा ही होगा। तो पसंद आया तो एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। टिल देन, बाय बाय।